स्टूडेंट दिस इज काची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और साथ में कवर करेंगे एग्जाम्पल 14, 15, 16 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ़ ये बाई टू टिकट्स टू मलेश्वरम एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुरम द टोटल कॉस्ट इज रुपज फोर्टी बट इफ ये बाय थ्री टिकट्स टू मलेश्वरम एंड फाइव टिकट्स टू यशवंतपुरम द टोटल कॉस्ट इज रुपज सेवेंटी फाइंड अफेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम तो हम इनकी सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लेशन मैथड टिल नाउ हमने क्या क्या पढ़ा है सबसे पहले ग्राफिकल मैथड पढ़ा है उसके बाद हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ा है फिर एलिमिनेशन पढ़ा है तो आज नेक्स्ट मैथड की टर्न है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लेशन मैथड तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं जो चीज़ हमसे पूछी होती है वही हम लेट करते हैं कि एक बस स्टैंड से अगर मैं दो टिकट यश मलेश्वरम की खरीदती हूँ और तीन टिकट यशवंतपुरम की खरीदती हूँ तो मेरे पास फोर्टी सिक्स रुपीज़ उसके टोटल बनते हैं लेकिन अगर मैं तीन टिकट मलेश्वरम की खरीदूं और पाँच टिकट यशवंतपुरम की खरीदूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट जो मैंने देनी है वो बनती है सेवेंटी फोर तो मुझे उनका किराया बताना है कितना है मलेश्वरम का और कितना है यशवंतपुर का अब हम क्या करेंगे लेट द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम इज इक्वल टू रुपेज एक्स एंड लेट द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर इज इक्वल टू रुपेज वाई तो मैंने फेयर लेट कर लिए टू टिकट खरीदी मलेश्वरम की और एक टिकट का कितनी वैल्यू थी X. तो टू टिकट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू एक्स सिमिलरली थ्री टिकट्स खरीदी यशवंतपुर की यहाँ पर यशवंतपुर की मैंने एक टिकट का फेयर था वाई और तीन टिकट का कितना हो जाएगा थ्री वाई टोटल मनी यानी कि टोटल फेयर ऑफ मलेश्वरम हो गया यानी कि दो टिकट का किराया हो गया टू एक्स और तीन टिकट का किराया हो गया थ्री बाय यह है मलेश्वरम का ये है यशवंतपुर का तो टोटल दिए कितने उसने फोर्टी सिक्स रुपीज तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के लिए क्या करेंगे सेकेंड के लिए क्या है बट इफ वी बाय थ्री टिकट्स टू मलेश्वरम यानी कि एक टिकट तो एक्स है और तीन टिकट का किराया हो गया थ्री एक्स सिमिलरली यशवंतपुर के लिए फाइव टिकट्स एक टिकट का किराया है वाई तो पाँच का कितना हो गया फाइव वाई और टोटल कितना दिया उसने सेवेंटी फोर तो दोनों को प्लस करके आ गया सेवेंटी फोर तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन अब हमारे पास इक्वेशन तो आ चुकी हैं अब हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड स्टार्ट करते हैं बहुत केयरफुली समझेंगे बहुत इजी है बच्चे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख ली हैं अब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी है तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है मुझे लिखनी है वैल्यूज ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की क्या होता है ए वन फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशेंट बी वन फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशेंट c1 वन फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्स्टेंट सिमिलरली a2 टू सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशेंट b2 टू सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशियंट c2 टू सेकेंड इक्वेशन में कॉन्स्टेंट तो मैंने लिख लिया अब क्या करना है अब हमें क्रॉस मल्टीप्लेशन के लिए क्रॉसेस लगाने हैं क्रॉसेस के लिए क्या करेंगे हम इस तरह से एक इस तरह से फिर एक इस तरह से एक 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 ऐसे, ऐसे एक ऐसे। और एक ऐसे। हमें याद रखना है एरो हमने इस साइड लगाए तो हमने एरोस लगा लिए। अब क्या करेंगे यहाँ हम लिख देंगे एक्स यहाँ लिखेंगे वाई और यहाँ लिखेंगे माइनस वन याद से हम क्या कर रहे हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई है राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसीलिए मैंने एक्स वाई और माइनस वन यूज़ किया है आपके एन में यहाँ पर वन यूज़ किया गया है बट क्यों यूज़ किया गया है क्योंकि मैंने क्योंकि वहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं वो इधर लेकर गए हुए हैं लेफ्ट एंड साइड पे लेके गए हुए हैं तो प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है दोनों ही मैथड बिल्कुल करेक्ट है मैं इसको इसलिए सॉल्व करी क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही यही हम जनरल इक्वेशन लेते आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स और राइट हैंड साइड पर कॉन्सटेंट्स तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्स वाई और माइनस वन लिख लिया हमने और अब क्या करेंगे यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बी वन बी टू बी के बाद क्या आएगा सी वन सी टू सी के बाद फिर से रिवर्स चलते हैं क्या आएगा ए वन ए टू ए के बाद फिर से क्या आता है बी वन बी टू दैट सेट सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है और उसके बाद इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं अब नेक्स्ट में क्या करेंगे फिर से हम लिखेंगे एक्स y माइनस वन यही वाली टर्म्स फिर से हम क्या लगाएंगे एरोस इस तरह से अब क्या करेंगे b1 की वैल्यू b1 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो गए थ्री बी टू की वैल्यू है फाइव सी वन की वैल्यू है फोर्टी सिक्स सी टू की वैल्यू है सेवेंटी फोर ए वन की वैल्यू टू ए टू की वैल्यू थ्री बी वन की थ्री एंड बी टू की फाइव अब हमने ये लिख लिया ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया सेकेंड स्टेप अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम फिर से एक्स लिखेंगे वाई लिखेंगे माइनस वन लिखेंगे दोनों में तीनों में इक्वल टू लगाएंगे और इस तरह से ये हम अब denominator में इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या करने वाले हैं जैसे हमने क्रॉसेस को फॉलो करना है क्रॉसेस को पहला क्रॉस कहाँ जा रहा है थ्री टू सेवेंटी फोर तो थ्री मल्टीप्लाई सेवेंटी फोर देन बीच में माइनस का साइन फिर कहाँ जा रहा है फाइव टू फोर्टी सिक्स तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्रॉस और साथ में मल्टीप्लाई तो फाइव मल्टीप्लाई फोर्टी सिक्स सिमिलरली अब वाई के लिए क्रॉस कहाँ जा रहा है फोर्टी सिक्स टू थ्री तो फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई थ्री बीच में याद रखेंगे माइनस का साइन फिर कहाँ जा रहा है क्रॉस सेवेंटी फोर टू टू सेवेंटी फोर मल्टीप्लाई टू हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक तो क्रॉसेज हैं साथ में हम जो क्रॉस पे डिजिट्स पड़ी हैं उनको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिमिलरली अब माइनस वन के लिए कहाँ जा रहा है टू टू फाइव क्रॉस और इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव बीच में माइनस का साइन थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड स्टेप तो ये थर्ड स्टेप मैंने फिर से लिख दिया है अब हमने क्या करना है यहीं तक ही हमारा क्वेश्चन था बस अब हमें इसको नॉर्मल सॉल्व करना है फिर से हम लिखेंगे इसको x y माइनस वन इक्वल्स टू के साइन और डिनोमिनेटर में अब क्या करना है 74 फोर मल्टीप्लाई थ्री दैट इज 222 ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फाइव दैट इज टू सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे दैट इज वन थर्टी एट माइनस वन फोर्टी एट इसको लिखेंगे टेन माइनस नाइन अब माइनस कर देते हैं एक्स बाय ये आएगा आपके पास माइनस एट या आएगा माइनस टेन या आएगा माइनस वन बाई वन अब मुझे क्या चाहिए मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की और वाई की तो यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे क्यों क्योंकि ये है आपके पास एक्स और ये है आपके पास कांस्टेंट तो अगर कांस्टेंट के साथ हम इसको इक्वेट करेंगे तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सिमिलरली y को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ एंड y के लिए भी इधर लिख देते हैं अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस एक तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से एट सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाई माइनस माइनस प्लस वाई की वैल्यू आ गई टेन तो एक्स की भी वैल्यू आ चुकी है वाई की भी वैल्यू आ चुकी है तब तो हमें चेक करने की क्या ये वैल्यू करेक्ट आई है या नहीं तो उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन बनी हुई थी वेरीफाई करने वाले हैं हम वेरीफाई रफ में करेंगे इक्वेशन जो थी आपके पास उसके अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे हम एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास एट और y की वैल्यू आई है टेन इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स यस आपकी आंसर बिल्कुल करेक्ट है x y की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल फिफ्टीन फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ of equations given below has unique solution? इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वन मार्क्स या टू मार्क्स में आ जाते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि पी की ऐसी क्या वैल्यू आए या कौन सी वैल्यू आए कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका यूनिक सॉल्यूशन बने तो सबसे पहले आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन याद होनी चाहिए क्या थी कंडीशन इसकी ए वन अपॉन में ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू ये थी आप लोगों की यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ए वन क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशन तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे वैल्यूज इसी के अंदर हम पुट करेंगे पहले मैं लिख लेती हूं ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यूज लिख रही हूं वहाँ पे ए वन है फोर बी वन है वाई का कॉम्फिशेंट इन इक्वेशन फर्स्ट इज पी सी वन है एट एट के लिए पहले हम क्या करते हैं इसको यहां पर लेके जाएंगे इसको नॉर्मल इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं जो आपकी एक्स वाई होती है और राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे करेंगे तो ये सी वन जो हो गया वो हो गया आपके पास माइनस एट तो ए टू क्या होगा आपके पास टू बी टू इज टू एंड सी टू इज माइनस टू अब अब क्या करना है मुझे ये कंडीशन लगानी है दैट इज ए वन अफॉन मे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अफॉन मे बी टू वैल्यूज पुट करते हैं वन इज फोर ए टू इज टू इज नॉट इक्वल टू बी वन इज पी एंड बी टू इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा आपके पास एट इक्वल टू टू पी इज नॉट इक्वल टू याद से यहां पर चल रहा है इज नॉट इक्वल टू फिर से यहां पर आ जाएगा टू डिवाइड का फोर इज नॉट इक्वल टू पी इस क्वेश्चन का इस आंसर का मतलब क्या है ऑल वेल्यूज Of P are acceptable except four, या आर ट्रू या एक्सेप्टेबल यानी कि पी की बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है सिर्फ फोर नहीं होगी क्यों इसका मतलब क्या है रीजन क्या है इसका कि अगर मैं यहाँ पर फोर की यहाँ पर पी की जगह फोर लगा दूंगी तो क्या बनेगा यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पे रफ में करते हैं वेरीफाई जैसे यहाँ था फोर बाई टू इज नॉट इक्वल टू फोर बाय टू टी की जगह पर मैंने फोर लिख दिया अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी ये तो इक्वल हो जाएंगे टू इक्वल टू टू अगर ए वन बाई ए टू इक्वल हो गया बी वन बाई बी टू का तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आया दैट मीन्स यहाँ पे फोर को छोड़ के कोई भी डिजिट हो जाए कोई भी वैल्यू हो जाए वो आपका सेटिस्फाई करेगा यूनिक सॉल्यूशन तो इसका आप आंसर ऐसे लिखेंगे कि ऑल वैल्यूज ऑफ पी आर ट्रू या आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट फोर सिर्फ फोर नहीं हो सकती इसकी वैल्यू तो यही इसका आंसर था आप करते हैं एग्जाम्पल सिक्सटींथ सिक्सटींथ एग्जाम्पल भी आपका इंपॉर्टेंट है ये भी मार्क्स में आ जाता है पेपर में तो पढ़ते हैं इसको फॉर वट वैल्यू ऑफ के इनफ़िनिटली मेनी सॉल्यूशंस तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई और राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स तो लिखते हैं इसको ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ये सारा का सारा बाकी एज इट इज तो ये मैंने जनरल इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिख लिया है इन इक्वेशंस को अब देखते हैं इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब की कंडीशन होती है ए वन अपॉन मे ए टू इक्ल्स टू बी वन अपॉन मे बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन तो ये कंडीशन होती है आपके पास इस कंडीशन के लिए आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ होनी चाहिए वो तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ तो ए वन क्या है फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉफिशियंट इज के फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कॉफिशियंट इज थ्री दैट इज बी वन और सी वन क्या है कॉन्स्टेंट सिमिलरली ए टू सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कॉफिशियंट सेकेंड इक्वेशन में वाई का कॉफिशियंट सेकेंड इक्वेशन में कॉन्स्टेंट तो ये हमने वैल्यूज़ लिख लिया हैं अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ ए वन इज के ए टू इज ट्वेल्व बी वन इज थ्री बी टू इज के सी वन इज के माइनस थ्री एंड सी टू इज़ के अब हमें क्या करना है फॉरवर्ट वैल्यू ऑफ़ के हमें के की वैल्यू निकालनी है आप के के वैल्यू के लिए आप कोई भी इक्वेशन को किसी भी दो को क्या कर सकते हो इक्वेट कर सकते हो तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करती हूँ इन दोनों को सॉल्व करके देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायर इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स दैट इम्प्लाइज के की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस Six. ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं रूट को हटा के मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ यहाँ फिर भी एक बार रफ में बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं प्लस सिक्स का स्क्वायर करती हूँ वो भी थर्टी सिक्स आता है माइनस सिक्स का स्क्वायर करती हूँ वो भी थर्टी सिक्स आता है तो यानी कि जब मैं थर्टी सिक्स का रूट करूंगी तो उसकी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि वो प्लस सिक्स का भी स्क्वायर हो सकता है वो माइनस सिक्स का भी स्क्वायर हो सकता है इसीलिए हम कभी भी स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वहाँ पे हम प्लस माइनस लगाते हैं तो यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है के प्लस माइनस सिक्स ऐसी अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं इसको रफ में इक्वेट करके देखते हैं थ्री बाय के इक्वल्स टू के माइनस थ्री बाय के माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा सिक्स के के स्क्वायर के से के कैंसिल सिक्स इज इक्वल टू के तो आपके पास यहाँ से के की वैल्यू आ रही है सिक्स और यहाँ से के की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस सिक्स तो यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है कि के की वैल्यू आएगी आपके पास सिक्स ये आ गया आपके पास आंसर और अगर आपको और अगर चेक करना हो कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर कर भी आप चेक कर सकते हो कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे थ्री पॉइंट फाइव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो